अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में एक बार उमरा परफॉर्म करने की। यहाँ पर अगर बात की जाए बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हिना खान की, तो हिना खान भी इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं उमरा, जिसकी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पिक्चर्स और वीडियो शेयर की, जिसके बाद लोगों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया और काफ़ी बुरा भला कहा हिना खान को। आखिर क्या वजह थी कि हिना खान को सोशल मीडिया पर इस तरह ट्रोल होना पड़ा, ये बताने वाला हूँ मैं आपको अपनी इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहां पर अगर बात की जाए हिना खान की, तो हिना खान ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पे होली सेलिब्रेट करते हुए वीडियोस और पिक्चर शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि हिना खान किस तरह होली सेलिब्रेट कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, हिना खान ने अपने सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की तस्वीरें भी शेयर की अपने बॉयफ्रेंड रोकी जासवेल के साथ। एक मुसलमान होने के बाद भी हिना खान अपने सोशल मीडिया पे इस तरह की पिक्चर शेयर करती रहती है, जिसमें देखा जा सकता है कि हिना खान किस तरह के वल्गर कपड़े पहने हुए हैं। जिसके बाद अब जबकि हिना खान उमरा परफॉर्म कर रही है, तो लोग हिना खान को इसी वजह से काफी ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हिना खान का जो पास्ट है वो काफी बुरा है। और लोगों का यही कहना है कि हिना खान उमरा परफॉर्म अगर करके आती भी हैं, तो दोबारा 5-10 दिन बाद ये दोबारा इन्हीं कामों में लग जाएंगी। तो इसलिए हिना खान को चाहिए कि वो उमरा परफॉर्म ना करें। दोस्तों, आपकी क्या राय है हिना खान के बारे में, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी, ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।